इस वक्त की बड़ी खबर अशोक नगर से आ रही है, जहां 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गणित विषय के पेपर में दे दिए संस्कृत विषय के प्रश्न। बता दें कि जिले में हजारों की संख्या में छात्र दे रहे हैं बोर्ड की परीक्षाएं। शिक्षकों ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है। बता दें कि एक दिन बाद ही होना था संस्कृत का पेपर। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर अशोक नगर से आ रही है, जहां 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गणित विषय के पेपर में दे दिए संस्कृत विषय के प्रश्न। जिले में हजारों की संख्या में छात्र दे रहे हैं बोर्ड की परीक्षाएं। शिक्षकों ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। बता दें कि एक दिन बाद ही होना था संस्कृत का पेपर। आज मैथ्स का पेपर था और अचानक जब हमने उत्तर पुस्तिकाएं बच्चों को वितरित की गई तो प्रश्न पत्र दिया गया, तो उसमें संस्कृत का एक पेज था। तो इसके लिए हमने वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश मांगे कि इसके लिए हम क्या करें। तो अधिकारियों से हमें जवाब मिला कि परीक्षा तो सतत जो चल रही है तो चलने दीजिए, बाकी क्रॉस करवा दीजिए, संस्कृत वाला जो पोर्शन है उसको क्रॉस करवा दीजिए, और जो पेपर आउट हुआ है उसके बोनस मार्क्स बच्चों को 10 नंबर दिए जाएंगे, ऐसा मौखिक हमको निर्देश प्राप्त हुए। किस विषय में बोनस मार्क्स दिए जाएंगे? जो गणित जो जो आउट हो चुका है पेपर उसका संस्कृत का, तो उसका जो कटवा के गणित का। हाँ, जो क्वेश्चंस उसमें नहीं आए हैं। हाँ जी जी हाँ। जी, और परीक्षा उसको लगातार निरंतर चलने दीजिए, ऐसा हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं वरिष्ठ अधिकारियों के।